आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था, मघवागणी को अजात शत्रु क्यों कहते थे? जब मुनि मघवा को मोतीजरा हो गया तब जयाचार्य जी ने क्या किया? मुनि मघवा की चेचक की बीमारी में जयाचार्य जी को एक छोटे से गांव में कितने दिन विराजना पड़ा? मघवागणी को तेरा पंथ में संस्कृत के प्रथम विद्वान क्यों कहते हैं? जेतारण का अर्थ मुनि मघवा ने क्या बताया? जयाचार्य ने मुनि मघवा पर धूल गिराने को क्यों कहा? मुनि रामदत्त जी ने मुनि मघवा से क्यों कहा कि मैं आपके पैर दबा दूंगा? जयाचार्य जी ने मघवागणी को 5 वर्षों तक के लिए क्या संकल्प करवाया? जयाचार्य जी ने मुनि मघवा को सरपंच क्यों बनाया? बहुत ही रोचक प्रसंग। जयाचार्य जी ने मुनि मघवा को कौन सी 4 बक्सी से प्रदान की? अब आगे 13 पंथ का इतिहास, खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर 13 पंथी महासभा, प्रथम परिच्छेद आचार्य श्री मघवागणी, 13 पंथ के 5म आचार्य, भाग 4 युवाचार्य पद पर मूल आवश्यकता। सन 1920 में जयाचार्य का चातुर्मास चुरू में था। वहां उनके मन में धर्म संघ की आगामी व्यवस्था कर देने का संकल्प जागृत हुआ। 13 पंथ के प्रत्येक आचार्य को अपने इस प्रथम कोटि के दायित्व की पूर्ति के लिए अत्यंत जागरूक रहना होता है। समग्र संघ इसे अपनी मूलभूत आवश्यकता मानता है। 2 कारण, जयाचार्य उस समय अपनी आयु का 60वां वर्ष पूरा कर रहे थे। शरीर प्राय निरोग था, फिर भी उन्होंने उक्त व्यवस्था के विषय में कोई ढील नहीं की। उसमें 2 संभावित कारण हो सकते हैं। प्रथम ये कि अनेक वर्षों से स्वयं जयाचार्य अपना उत्तराधिकार समर्पण करने के विषय में छोग हरक मघराज कहकर जिस त्रिवेणी की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करते रहे थे, अब उनमें से किसी एक का नाम निर्णित कर देने का मानस बना चुके थे। उन्होंने अपने मानसिक स्तर पर तो संभवतः कई वर्ष पूर्व वह नाम निश्चित कर लिया था। सरपंच की नियुक्ति, हाजरी वाचन का दायित्व और 4 बक्सीसों द्वारा प्रदत्त सम्मान को उसी निश्चय की बाह्य अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। उसके पश्चात 4 तीर्थ की महती सभा में अपने सम्मुख बाजोट पर बिठाकर तो आचार्य श्री ने मानव मुनि मघवा के नाम की स्पष्ट किंतु निशब्द घोषणा ही कर दी थी। जयाचार्य ने इन सब कार्यों के द्वारा जहां अपनी भावना को उजागर किया, वहां अपने कार्य को सुपाच्य भी बनाया। कहा जा सकता है कि यह कोई अचानक ही चौंका देने वाला नया धमाका नहीं था, अपितु सुचिंतित एवं पूर्व संकेतित होने के कारण एक सुज्ञात कार्य था। इसके द्वारा उन्होंने संघ के सभी सदस्यों को अपनी अपनी मानसिकताओं एवं आकांक्षाओं के बेतरतीब बहाव को तटबंध लगाकर समयानुकूल मोड़ दे देने के लिए परिपूर्ण अवसर प्रदान किया था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जयाचार्य उस समय एक सीमा तक संघीय चिंताओं से मुक्त होकर अपना समय साहित्यिक कार्यों में लगाना चाहते थे। उन दिनों वे आगमों की जोड़ करने में लगे हुए थे। लगभग 1 वर्ष पूर्व उन्होंने भगवती की जोड़ का कार्य प्रारंभ किया था। निर्विघ्न एकांत के बिना कार्य की गति तीव्र नहीं हो पा रही थी। उसे तीव्रता तभी प्रदान की जा सकती थी जबकि संघ की सार संभाल के कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति को नियमित रूप से सहभागी बनाकर स्वयं साहित्यिक कार्य को प्रमुखता प्रदान करे और अन्य कार्यों से निचोड़ कर अधिकाधिक समय उसी में लगाए। यद्यपि कुछ कार्यों में मुनि मघवा उन्हें स्वयं ही सहायता प्रदान करते थे, फिर भी जो कार्य आचार्य या युवाचार्य के लिए उपयुक्त हो, वे तो जब तक युवाचार्य का निर्णय न करा दिया जाए तब तक स्वयं उन्हें ही करने पड़ते थे। इसलिए जयाचार्य ने वैधानिक रूप से मुनि मघवा को युवाचार्य पद प्रदान करने का निर्णय किया। नियुक्ति,
जयाचार्य ने शुभ दिन देखकर युवाचार्य की नियुक्ति के लिए अश्विन कृष्णा तेरस शनिवार का दिन घोषित किया। यद्यपि भावी आचार्य के विषय में उस समय तक प्राय सभी जानने लगे थे, फिर भी विधिवत पद समर्पण की प्रक्रिया का निर्वहन तो नितांत आवश्यक था। उसे देखने तथा जानने के लिए सभी के मन में एक अनिर्वचनीय उत्साह था। समय से पूर्व ही स्थान जनाकीर्ण हो गया। चारों तीर्थों की उपस्थिति में जयाचार्य ने तेरापन की रीति नीति का परिचय देते हुए युवाचार्य पद की महत्ता को बतलाया और फिर अपने शरीर पर धारण किया हुआ नवीन उत्तरीय मुनि मघवा को उड़ाते हुए उन्हें युवाचार्य पद पर नियुक्त घोषित कर दिया। उस दृश्य को देखकर सभी लोग हर्षप्लावित हो उठे। चिर चिंतित एक दायित्व की संपन्नता पर जयाचार्य ने कृतकृत्यता का अनुभव किया। शांत और मधुर प्रकृति वाले एक योग्यतम भावी आचार्य को पाकर धर्मसंघ के सभी हितेशियों ने अनुभव किया कि धर्मसंघ की नींव अपेक्षाकृत और गहरी तथा सुदृढ़ हो गई है। युवाचार्य श्री की माता बन्ना सती तथा भगिनी गुलाब सती को तो वचनातीत आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक ही था। द्व्यांगी तेरा पंथ धर्मसंघ में युवाचार्य पद की नियुक्ति को द्व्यांगी कहा कह सकते हैं। उसका प्रथम अंग होता है जनसभा में उत्तरीय प्रदान कर युवाचार्य के नाम की घोषणा। यह सबके सम्मुख खुले रूप में की जाती है, अतः इसे बहिरंग नियुक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय अंग होता है सब साधु साधियों की लिखित मान्यता। इस प्रक्रिया में स्वामी भीखन जी द्वारा लिखित संवत 1832 के प्रथम लेख पत्र का नवीनीकरण किया जाता है। उसमें उस समय नियुक्त युवाचार्य भारमल जी के स्थान पर वर्तमान में नियुक्त युवाचार्य का नामांकन किया जाता है और फिर उनको मान्यता प्रदान करने के लिए सब साधुओं के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसे अंतरंग नियुक्ति कहा जा सकता है। इस पर हस्ताक्षर करने से नकारने का अर्थ होता है संघ परित्याग। युवाचार्य मघवा की नियुक्ति का प्रथमांग संपन्न हुआ उसी दिन जयाचार्य ने लेख पत्र का नवीनीकरण किया और फिर सब साधुओं के हस्ताक्षर लेकर द्वितीयांग की भी संपन्नता कर दी। इस प्रकार युवाचार्य मघवा को सारे संघ की अखंड मान्यता प्राप्त हो गई। छोक जी से पूछा, युवाचार्य पद प्रदान करते समय जयाचार्य के मन में संभवतः यह कल्पना उभरी थी कि मेरे इस कार्य से किसी के मन को ठेस भी लग सकती है, इसलिए नियुक्ति क्षण से तत्काल पूर्व ही उन्होंने उस व्यक्ति के मन को टटोल कर देखने का प्रयास किया। उस ओर उन्मुख होते हुए उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधा ही प्रश्न किया, क्यों छोक जी, युवाचार्य पद किसे देना चाहिए? मुनि छोक जी उन तीन व्यक्तियों में प्रथम थे जिनके नाम स्वयं जयाचार्य छोग हरख मगराज कहकर संभावित युवाचार्य में गिनाया करते थे। आचार्य श्री ने उस समय मुनि हरखचंद जी से उक्त प्रश्न शायद इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वे अत्यंत विनीत और पद एवं प्रतिष्ठा के लिए सहज अनासक्त माना करते थे। मुनि छोग जी को भी वे विनीत एवं गुणवान व्यक्ति तो मानते थे, परंतु पद और प्रतिष्ठा के प्रति उनके झुकाव की संभावना भी करते थे। यही कारण था कि उन्होंने पीड़ित स्थान पर ही सीधी अंगुली टिका दी। मुनि छोक जी उक्त अप्रत्याशित प्रश्न के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें अचानक ऐसे किसी प्रश्न का सामना भी करना पड़ सकता है। समय की नब्ज को पहचानते हुए उन्होंने तत्काल खड़े होकर अत्यंत नम्रता एवं शालीनता के साथ निवेदन किया, गुरुदेव, इसके लिए मुनि मघराज जी सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं। आप उन्हें यह पद प्रदान करने की कृपा करें। जयाचार्य को यही उत्तर चाहिए था। मुनि छोक जी के समयानुकूल उस व्यवहार से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय मुनि मघवा को तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया ही, साथ ही मुनि छोक जी को संघ के सामूहिक कार्यों से मुक्त करके सम्मानित किया। आवश्यक प्रशिक्षण। युवाचार्य पद पर मघवा को नियुक्त कर देने के कुछ ही दिन पश्चात जयाचार्य ने गणपति शिखावण नाम से एक गीतिका का निर्माण किया। 87
यानी 87 पद्यों की उस प्रलंब गीतिका में उन्होंने नवीन युवाचार्य को यह प्रशिक्षण दिया है कि तेरा पंथ धर्म शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आचार्य को मुख्यतः किन किन बातों पर विशेष जागरूक रहना चाहिए। वह प्रदत्त उनकी शिक्षाओं के मुख्य बिंदु अग्रोक्त हैं। सिंघाड़े तथा साज अधिक बड़े मत बनाना, नव दीक्षितों की व्यवस्था अपने हाथ में रखना, वृद्ध और म्लान की सेवा करवाना अपना दायित्व समझना, प्रत्येक सिंघाड़े को इस कार्य में अनिवार्य रूप से लगाना, चातुर्मास की समाप्ति पर प्राय प्रतिवर्ष प्रत्येक सिंघाड़ों को बुलाते रहना और सबकी चर्या तथा पारस्परिकता आदि की पूछताछ करते रहना, प्रत्येक सिंघाड़े के विज्ञादिवर्जन, वस्त्रादियाचन, औषधि सेवन तथा क्षेत्र स्पर्शन आदि के लिखित विवरण प्राप्त कर उन पर ध्यान देते रहना, विनीत को आगे बढ़ाना तथा अविनीत पर अंकुश रखना, दलबंदी मत होने देना, रात्रिको को यथासमय प्रतिदिन वंदन करना, यदि वे बाहर से विहार करके आए हो तो उसी समय आसन छोड़कर खड़े होना और वंदन करना, आज्ञाकारी और शासन भक्त व्यक्तियों की स्पष्ट पहचान रखना, खल और गुड़ को एक भाव मत कर देना। कई व्यक्ति तन से रुग्ण होते हैं तो कई मन से, परंतु यदि उनकी संयम पालने की भावना हो तो उन्हें उदारतापूर्वक सहयोग देना। संयम पालन की भावना नहीं रखते हो उन व्यक्तियों को तत्काल गण से पृथक कर देना, न उनका कोई लिहाज रखना और न भय। उक्त गीतिका का उपसंहार करते हुए जयाचार्य ने कहा कि यद्यपि ये शिक्षाएं मैंने युवाचार्य पद पर नियुक्त शिष्य मगराज को दी हैं, परंतु तेरापन के भावी सभी आचार्य को भी मेरी ये ही शिक्षाएं हैं। मैंने ये शिक्षाएं अपने विचार अनुसार दी हैं, फिर गण वृद्धि के लिए तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करना। सुपुत्रवान हो गए। सद्गुरु की प्राप्ति जितनी सौभाग्य सूचक होती है, सुशिष्य की प्राप्ति उससे कोई कम नहीं होती। एक बार एक वयोवृद्ध स्थानकवासी साधु जयाचार्य से मिलने के लिए आए। उस समय उन्हें युवाचार्य मघवा से भी परिचित होने का अवसर मिला। बातचीत करने पर वे उनकी प्रतिभा तथा योग्यता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जीतमल जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, मघराज जी जैसे शिष्य को पाकर वस्तुतः आप सुपुत्रवान हो गए। जयाचार्य को एक सुझाव देते हुए उन्होंने कहा, आगम में आचार्य का एक विशेषण आता है, गण तति विप्पमुक्को, गण की चिंताओं से मुक्त। आपके लिए यह विशेषण सार्थक हो गया, अब आप स्वाध्याय तथा ध्यान में विशेष रूप से लग सकते हैं। स्थानकवासी मुनि का उक्त कथन जयाचार्य को बड़ा प्रेरणादायी प्रतीत हुआ। यद्यपि वे संघीय कार्यों में युवाचार्य का काफी उपयोग करने लगे थे, फिर भी उक्त प्रेरणा के पश्चात उसमें बहुत प्रखरता आ गई। उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्यभार संभालकर वे स्वयं साहित्य सर्जन, स्वाध्याय तथा ध्यान में अपना समय लगाने लगे। मगजी की सेवा करो, उपासना करने के निमित्त आने वाले श्रावक श्राविकाओं को जयाचार्य बहुधा फरमा दिया करते कि मगजी की सेवा करो। इसी प्रकार सामान्य जिज्ञासु से लेकर तत्व चर्चा के लिए आने वालों को भी वे युवाचार्य श्री से ही बातचीत करने की प्रेरणा दिया करते थे। उक्त पद्धति से वे युवाचार्य श्री को जहाँ हर कार्य में पारंगत बना देने का स्वप्न संजोया करते थे, वह अपने समय को भी निरापद बना लिया करते थे। उपालंब और प्रशंसा। एक बार युवाचार्य मघवा लाडनू की जनता में व्याख्यान दे रहे थे। जयाचार्य राजल देसर वाले वेदों की हवेली में ऊपर तिरबारे में साहित्य रचना के कार्य में संलग्न थे। पास में गुलाब सती आदि कुछ साध्विया भी उपस्थित थी। अचानक जयाचार्य का ध्यान व्याख्यान की ओर चला गया। युवाचार्य श्री उस समय जो विवेचन कर रहे थे उसमें उन्होंने कोई स्खलना कर दी। जयाचार्य को वह स्खलना बहुत अखरी। उन्होंने गुलाब सती से कहा, तुम्हारे भाई को अभी तक ढंग से व्याख्यान देना भी नहीं आता, व्यर्थ की गप्पे हाँक रहा है, जाओ उसके स्थान पर आगे का व्याख्यान तुम दो। गुलाब सती बड़ी असमंजसता में पड़ गई। एक प्रकार से वे लाठी और भीत के बीच में आ गई। न तो गुरु के आदेश का उल्लंघन किया जा सकता है
और न युवाचार्य श्री को उठाकर व्याख्या नहीं दिया जा सकता है। वे उठी तो सही पर पैर लड़खड़ा गए। जयाचार्य ने उनकी मानसिक स्थिति को तत्काल भांप तो लिया, फिर भी आदेश के उसी स्वर में फरमाया, तुम शीघ्रता से जाओ और व्याख्यान दो। गुलाब सती विदुषी होने के साथ ही अवसरज्ञा भी थी। उन्होंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव बहुत दिनों से लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। यदि आप व्याख्यान में पधारने की कृपा करें तो वे सब कृतकृत्य हो जाएंगे। जयाचार्य मन ही मन मुस्कुराए और फिर व्याख्यान स्थल में पधार गए। युवाचार्य श्री एवं जनता ने खड़े होकर विधिवत उनका सम्मान किया। पट पर आसीन होकर आचार्य श्री ने युवाचार्य मघवा को व्याख्यान में स्खलित होने का भरपूर उपालम देते हुए फरमाया, अभी तक तुम्हें ढंग से व्याख्यान देना भी नहीं आता, जो इस प्रकार गप्पे हाँकते हो। व्याख्यान में जो भी बात कही जाए वह पूर्ण रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। युवाचार्य श्री ने करबद्ध होकर बड़ी नम्रता से अपनी त्रुटि के लिए समायाचना की और आगे से पूर्ण सावधानी रखने की भावना व्यक्त की। जयाचार्य द्वारा परिषद में दिया गया उपालम उनके मन को किंचित भी ग्लानि नहीं कर पाया। श्रावक वर्ग अवश्य विस्मित भाव से सोचने लगा कि आचार्य श्री ने साधारण सी कलना के लिए युवाचार्य श्री को बहुत अधिक उपालम दे दिया। युवाचार्य श्री की विनयवृत्ति से जयाचार्य को पिघल जाना पड़ा। वे दूसरे दिन फिर व्याख्यान में पधारे। पहले दिन की घटना के परिप्रेक्ष्य में फरमाया, मगजी अत्यंत विनयी हैं। परिषद में इतना उपालम देने पर भी इनकी विनयशीलता घटी नहीं, प्रत्युत बढ़ी है। किसी को विनय की शिक्षा लेनी हो तो मगजी से लेनी चाहिए। युवाचार्य श्री की आकृति की ओर दृष्टि निक्षेप करती हुई परिषद ने पाया कि वे प्रथम दिन के उपालम को सुनकर जैसे शांत थे, वैसे ही आज प्रशंसा को सुनकर भी हैं। उत्तराध्यन ही सुन लो। जयाचार्य ने संवत 1931 का चातुर्मास सुजानगढ़ में किया। वहां उन्होंने प्रातःकालीन प्रवचन के लिए युवाचार्य मघवा को आदेश दिया। प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने श्रोताओं से पूछा, आप लोग कौन सा सूत्र सुनना चाहते हो? श्रावकों ने निवेदन किया, वैसे तो जो आपकी इच्छा हो वही सुना दीजिए, पर आपके मुख से तो कोई नया सूत्र ही सुनना चाहेंगे। युवाचार्य श्री ने तब भगवती, पन्नवणा, आचारंग आदि कई सूत्रों के नाम लेकर पूछा, परंतु श्रावकों ने हर बार यही कहा कि यह तो सुना हुआ है। जयाचार्य निकट ही विराजमान थे, वे सारी बात सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए वहीं से श्रावकों को फरमाया, तुम लोगों ने सारे ही सूत्र सुन रखे होंगे, पर इस बार मगजी से उत्तराध्यन ही सुन लो। जयाचार्य ने श्रीमुख से जिस सूत्र का नाम फरमा दिया, श्रद्धालु जनों के लिए वह एक प्रकार से अनुंगलिनीय निर्देश ही हो गया। फलतः युवाचार्य श्री मघवा ने प्रथम व्याख्यान में उत्तराध्यन का वांचन प्रारंभ किया। उनका व्याख्यान कौशल अनुपम था। श्रावक वर्ग उनकी प्रतिपादन शैली से मुग्ध होकर कहने लगा कि उत्तराध्यन तो अनेक बार सुना है, परंतु ऐसा मनोमुग्धकारी विवेचन पहले कभी नहीं सुना। यदि जयाचार्य निर्देश नहीं देते तो हम सब इससे वंचित ही रह जाते। लसुन की करामात। जयाचार्य कई बार विनोद में युवाचार्य मघवा से फरमाया करते, मगजी यहाँ बैठे क्या करते हो? जनपद विहार करो और लोगों को धर्मोपदेश दो। मेरे पास तो मायाचंद और ईसर ये दो ही संत पर्याप्त हैं। युवाचार्य श्री को जयाचार्य से पृथक रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरु चरणों में रहकर ही वे परम प्रसन्न रहा करते थे। फिर भी एक बार तो जयाचार्य ने उनको अपने से पृथक भेज ही दिया। जयाचार्य उन दिनों लाडनू में विराज रहे थे। एक दिन उन्होंने युवाचार्य मघवा को कुछ दिनों के लिए डिडवाना जाने का आदेश दिया। आचार्य श्री ने वहां उनके साथ जाने वाले संतों का तो निर्धारण कर दिया, परंतु व्याख्यान आदि के लिए आवश्यक पुस्तकों के विषय में कुछ नहीं कहा। संकोचशील युवाचार्य श्री ने भी पुस्तकों की मांग नहीं की। आदेशानुसार वे डिडवाना पधार गए। वहां कंठस्थ ज्ञान के आधार पर ही प्रभातकालीन व्याख्यान चालू कर दिया। उनके मधुर कंठों तथा विदितापूर्ण व्याख्यान शैली ने जनता को अच्छा प्रभावित किया। परिषद खूब जमने लगी। एक यतिजी भी व्याख्यान सुनने को आने लगे। वे युवाचार्य श्री के व्याख्यान से अत्यंत प्रभावित हुए।
एक दिन यति जी ने प्रार्थना की, मेरे उपाश्रय में आगमों तथा व्याख्यानों का अच्छा भंडार है, आप उनमें से जो चाहें वे प्रतियां मंगवा लीजिए। युवाचार्य श्री ने तब कुछ प्रतियां मंगवाई। व्याख्यान में उनका बहुत अच्छा उपयोग हुआ। कुछ दिनों पश्चात युवाचार्य श्री ने वापस लाडनू जाने की तैयारी की। तब उपाश्रय से लाई हुई प्रतियां यति जी को सौंपने लगे। यति जी ने कहा, इन सबको आप अपने पास ही रखिए, आपके पास इनका उपयोग है, हमारे पास तो बस भंडार में ही पड़ी रहती है। युवाचार्य श्री ने फरमाया, हमारे संघीय नियमों के अनुसार इन पुस्तकों पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह सकता, हमें तो वहां जाते ही यह सब गुरु चरणों में भेंट कर देनी होगी। यति जी ने कहा, मैं तो इन्हें आपको भेंट कर चुका हूँ, अब चाहे आप रखे या गुरु जी को दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। युवाचार्य श्री ने तब उन प्रतियों को रख लिया और वहां से विहार कर वापस लाडनू पधार गए। गुरु दर्शन करने के पश्चात उन्होंने जब पुस्तकें खोलकर आगमों तथा व्याख्यानों की बहुत सारी प्रतियां आचार्य श्री के सम्मुख रखी तो उन्होंने कहा, ये इतनी पुस्तकें कहां से लाए, जाते समय यहां से तो तुम कुछ नहीं ले गए थे। युवाचार्य श्री ने यति जी तथा उनके भंडार की बात बतलाते हुए कहा, डिडवाना में ये पुस्तकें हमारे बहुत काम आई। जयाचार्य ने फरमाया, तुम्हारे दाहिने अंग पर लहसुन का चिन्ह है, वह अत्यंत शुभ है, अतः तुम्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। उन्होंने उस संदर्भ में एक दोहा भी फरमाया, तिलमस अरु भंवरी लसुन होत जीवने अंग, चलियो जाए पर दीप में लक्ष्मी तजे न संग। मात्र ऋण से मुक्त, संवत 1925 में ग्रीष्म काल में जयाचार्य थली के विभिन्न क्षेत्रों में विहार कर रहे थे। वैशाख का महीना था। युवाचार्य मघवा की संसार पक्षीय माता साध्वी बन्ना जी लाडनू में रुग्ण हो गई। जयाचार्य को समाचार मिले तो वे दर्शन हेतु लाडनू पधारे। युवाचार्य मघवा तो शरीर के साथ छाया की तरह सदैव आचार्य श्री के साथ ही रहा करते थे। आचार्य श्री एवं युवाचार्य श्री ने मातेश्वरी बन्ना जी को भरपूर आध्यात्मिक संबल प्रदान किया। लगभग 11 पहर का सागार अनशन प्राप्त कर वैशाख कृष्णा 14 को उन्होंने समाधि पूर्वक देह त्याग कर लिया। अंतिम अवस्था के समाधि योग में सहयोगी बनकर युवाचार्य मघवा वस्तुतः मात्र ऋण से मुक्त हो गए। मूक सेवा। युवाचार्य मघवा लगभग 18 वर्षों तक युवाचार्य रहे। उन्होंने अपने पद के प्रारंभिक वर्षों में ही संघ संबंधी बहुत सा कार्य संभाल लिया था। आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की उनकी परिचर्या ने जयाचार्य को गण की चिंताओं से बहुलता मुक्त कर दिया। उसी से वे निश्चिंत होकर साहित्य सर्जन, स्वाध्याय तथा ध्यान आदि महत्वपूर्ण कार्यों में अधिक समय लगा पाए। जयाचार्य ने आगम मंथन का जो दुरह कार्य किया तथा अनेक बृहत कार्य एवं गंभीर आगमों पर राजस्थानी भाषा में पदबद्ध टीकाओं का निर्माण किया, वह जिन शासन की तो सेवा थी ही, साथ ही जनभाषा की भी एक महनीय सेवा थी। इस प्रकार के सभी विशिष्ट कार्यों में जयाचार्य के मुखर श्रम के साथ युवाचार्य श्री की मूक सेवा का भी अभिनंदनीय सहभाग रहा। प्रशंसा प्राणमुख। युवाचार्य मघवा बाल्यकाल से ही प्रशंसा प्राणमुख थे। उन्होंने अपने द्वारा की गई छोटी बड़ी किसी भी सेवा को बाहर प्रकट होने से संभवतः ही बचाया। प्रशंसा के विषय में इतनी निष्प्रियता प्राय बहुत कम व्यक्तियों में देखी जाती है। आजीवन वे अपने इस निर्णित मार्ग से कभी डिगे नहीं। जब कोई उनके सम्मुख ही उनकी प्रशंसा करने लगता तो वे इस ओर से पूर्ण उपेक्षा भाव रखते हुए कोई अन्य प्रसंग छेड़ दिया करते थे। यहाँ तक कि आचार्य बन जाने के पश्चात भी उन्होंने साधु वर्ग को कभी अपना पट महोत्सव मनाने की स्वीकृति नहीं दी। वे आजीवन जयाचार्य का पट महोत्सव दिन ही मनाते रहे। स्व प्रशंसा में उनकी जितनी उपेक्षा वृत्ति रहा करती थी, उतनी ही परनिंदा में भी। कोई दूसरा उनके सामने किसी की निंदा करता तो वे उसे भी कोई महत्व नहीं दिया करते थे। वे स्व प्रशंसा और परनिंदा इन दोनों के ही कट्टर विरोधी थे। वे सदा दूसरों को भी यही शिक्षा प्रदान करते थे कि न कभी परनिंदा करो और न सुनो, स्व प्रशंसा को आत्महत्या ही समझो।
कल के अध्याय में हम सुनेंगे युवाचार्य श्री मघवागणी आचार्य पद पर कब पदासीन हुए, आचार्य पद के प्रथम दिन की भेंट क्या थी, आचार्य मघवागणी के समय को पाचन काल का समय क्यों कहा जा सकता है, किस प्रकार आचार्य श्री मघवागणी स्वयं ही अपना कार्य कर लेते थे, अशुद्ध उच्चारण को मघवागणी ज्ञान की असाधना क्यों मानते थे, किसी ने मघवागणी से कहा अमुक व्यक्ति आपको गाली दे रहा था, उस पर मघवागणी ने क्या कहा। प्रश्नोत्तर के प्रारंभ में अकड़कर बैठने वाले पंडित ने मघवागणी के पैर क्यों पकड़ लिए। ओम अरहम।